गाड़ी में नाइट्रस ऑक्साइड लगाने के बाद आपकी बैलगाड़ी दौड़ेगी रेलगाड़ी की तरह। और जब गाड़ियों की बात चल ही रही है तो जरा ये भी जान लो कि नाइट्रस ऑक्साइड सेफ है भी या नहीं, क्योंकि गाड़ियां 54-58 की तो आती नहीं है। तो आओ जानते हैं कि गाड़ी की क्षमता बढ़ाने के बाद क्या वो आपके लिए सेफ है या नहीं। भैया देखो, नाइट्रस ऑक्साइड है कलरलेस और ऑडरलेस और ये आग नहीं पकड़ती, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है सेफ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी में इसको लगाने के बाद ये सेफ रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप नाइट्रस की सप्लाई चालू करोगे ये होगी फ्यूल के साथ मिक्स, और इन दोनों का मिक्सचर यानी फ्यूल और नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सचर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जरा सी लीकेज और ऊपर का पत्ता साफ। और अब है सबसे जरूरी सवाल की बारी, क्या भारत में नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर लगाना लीगल है?